हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। तो आज का हमारा सब्जेक्ट है गुजराती स्टैंडर्ड फिफ्थ पार्ट फाइव, कोरो काचबो बीनो चांदो, पेज नंबर 6464। तो लास्ट हमने चैप्टर मतलब पार्ट फोर हमने कंप्लीट कर लिया, तो अब हम देखेंगे पार्ट फाइव, कोरो काचबो ने बीनो चांदो। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है चालो गाइए गीतड़ू। तो यहाँ पे फर्स्ट हमें एक छोटी सी पोयम दी है, तबड़क 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 कर तो घोड़ो मारो दौड़ियो जाए, एक आवाजे भागे बिल्ली भले वागनी मासी थाय, ऊंचा झाड़ा हाथी भाई सूंढ हलावता हालिया जाए, लुच्चा लुच्चा सियड़ भाई सौने चैत्री चालिया जाए, ससला भाई छलांग मारी कुत्ता कुत्ता हाफी जाए, काचबा भाई तो धीमे धीमे आगड़ आगड़ हालिया जाए। तो यहाँ पे आपने देखा इस छोटी सी पोयम में सारे जो जंगल के एनिमल्स हैं सब यहाँ पे आ गए। तबड़क तबड़क कर तो घोड़ो मारो दौड़ियो जाए, तो घोड़ा तो आपको पता है ना कैसे दौड़ता है हॉर्स, तो वो इस तरह से दौड़ के जा रहा था। एक आवाज़ें भागे बिल्ली, जैसे कि कोई भी बिल्ली आती है तो हम छोटी सी भी आवाज़ आती है ना तो उसे भनक पड़ जाती है कि हम कोई आ रहा है या फिर यहाँ पर कोई है, तो वो फट करके भाग जाती है। बट वो दिखने में कैसी लगती है, वाघ। ओके, भले वागनी मासी थाई ऊंचा जाड़ा हाथी भाई, कि जो एलिफेंट वो कैसा होता है, वो एक तो बड़ा सा एलिफेंट होता है, उसके बड़े बड़े कान, और वो अपनी सूंड हलावता हालिया जाए, मतलब वो अपनी टंग हिलाते हुए चलते जा रहे। लुच्चा लुच्चा सियड़ भाई, मतलब सिया मतलब फॉक्स, और वो आपको पता है कि वो बहुत ही नॉटी है और सबको परेशान करता रहता है। सौने क्षेत्री चालिया जाए, जो फोक्स है वो तो सबको हैरान परेशान करता है और सबको कुछ ना कुछ वो सबक सिखाता है। ससला भाई छलांग मारी कुत्ता कुत्ता हाफी जाए, जो रैबिट है वो तो कैसे जंप करते रहता है ना, हुप करता है, वो कुत्ता रहता है। और यहाँ पे दिया है कि रैबिट छलांग मार ससला भाई छलांग मारी मारी हाफी जाए छे, काचबा भाई तो धीमे धीमे आगड़ आगड़ हालिया जाए। तो सभी एनिमल्स अपने अपने में ही लगे हुए, बट जो काचबो छे जो वो यहाँ पे दिया है कि काचबा भाई तो धीमे धीमे आगड़ हालिया जाए, तो काचबो जो है वो अपनी वो सबसे स्लो, जैसे कि बोलते हैं ना कि सबसे फास्टेड एनिमल में चीता, तो वैसे ही सबसे स्लो उसमें क्या आता है, काचबो। तो वो अपनी तरीके से वो चलता जाता है, बाकी के एनिमल से वो थक जाते हैं तो वो रेस्ट करते हैं, फिर बिल्ली है तो वो डर के भाग जाती है। तो सभी एनिमल्स अपने हिसाब में लगे हुए होते हैं, बट जो काचबो है वो तो अपनी ही धुन में धीरे धीरे आगे चलता जाता है और वो सबसे आगे निकल जाता है। तो यहाँ पे पोयम हमारी कंप्लीट हुई। फिर नीचे है बेरंग बनियो रंगीन। तो अब यहाँ पे हमारी स्टार्ट होती है स्टोरी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चौमासु पूरु थवा आवेलो आरवनाथ घरनी आसपास केटलाक पतंगिया उड़ा उड करता हता, तेमा एक पतंगियु सावज रंग वगरनु हतु, आरवनु ध्यान तेना पर गयु, तेने नजीक थी जोवा ते पासे गयो, बन्ने नी दोस्ती थई गई, आरवे तेना नवा मित्रनु नाम पाड्यु बेरंग। तो जैसे कि अभी रेनी सीजन चल रही है, तो जब रेनी सीजन चलती है तो उसमें बहुत सारे छोटे छोटे हमें इंसेक्ट देखने के लिए मिलते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे दिया है कि चौमासु पूरु थवा आवेलु, तो रेनी सीजन जब जाने की सीजन थी तब आरव जो एक लड़का है उसका नाम क्या है, आरव। तो यहाँ पे उसने अपने घर के पास देखा कि घर के पास बहुत सारे बटरफ्लाई उड़ रहे थे, बट उनमें से एक बटरफ्लाई ऐसा था कि उसमें कुछ नहीं रंग था, नहीं उसके कुछ कलर, मतलब उसमें कोई सेफ नहीं था, कोई पिक्चर नहीं था, बस सिर्फ ऐसे बेरंग था, उसमें कुछ भी नहीं था। तो उसने वहाँ पे नज़दीक जाने के लिए उसने सोचा कि मैं नज़दीक जाके देखता हूँ कि है कौन सी ऐसी चीज़ कि उसमें ऐसा कुछ कलर भी नहीं है, उसमें कुछ ऐसा पेंटिंग वगैरह भी नहीं है। तो वो नज़दीक से देखने के लिए गया, फिर उन दोनों में दोस्ती हो गई, फिर उसने अपने फ्रेंड का नाम क्या रखा, बेरंग। ओके, आरव कहे बेरंग हूँ तारू चित्र बनावू, उसने बेरंग किसका नाम है, जो एक बटरफ्लाई उसको दिखा था जिसमें कोई कलर नहीं था, तो आरव ने बटरफ्लाई का नाम क्या रखा, बेरंग। तो उसने पूछा बेरंग को कि क्या मैं तुम्हारा पिक्चर बनाऊँ ड्रॉ करूँ, बेरंग कहे चौकस आरव, तो बैठो कागर पेंसिल अने मीणिया रंग लईने, तेणे तो तद्दन बेरंग जेवु चित्र दोरी काढ्यु, बेरंग ने पण पोतानु चित्र गम्यु, ए हस्यु। तो बेरंग ने उसके बोला कि हाँ ठीक है तुम बना लो मेरा पिक्चर। तो आरव ने क्या किया, वो तो कागज़ पेंसिल कलर वो सब लेके आ गया और डिट टू डिट उसने आरव की
सॉरी बेरंग की पिक्चर बनाई, जैसे कि वो दिखता था वैसे ही उसने यहाँ पे ड्रॉ किया, और बेरंग अपना पिक्चर देख के वो हंसने लगा, उसे भी पसंद आया। आरव ने मजा पड़ी गई, तेने पूछू बेरंग तारा चित्र में रंग पूरू। उसने आरव बेरंग को पूछा कि मैं तुम्हारे पिक्चर जो मैंने ड्रॉ किया है उसमें क्या कलर फिलअप करूँ, बेरंग का है। हाँ हाँ, आरवे बेरंग ना चित्र में रंग पूरवानू शुरू करिया। आरव जेम जेम रंग पूरतो जाए तेम तेम बेरंग पण साचू कलो रंग चढ़तो जाए, जैसे कि ये मैजिकल जैसा हो गया कि हम यहाँ पे कोई पिक्चर ड्रॉ करते हैं और जैसे कि हम यहाँ पे कलर फिल करते हैं तो रियल में भी जो बेरंग बटरफ्लाई है उसमें भी सडनली कलर भरना स्टार्ट हो जाता है। बेरंग तो खुश खुश थी गयु, ते कहे जरा पाखनी किनारी पर जामुड़ो रंग करी देने। तो उसने पूछा कि पहले तो आरव ने पूछा कि क्या मैं तुम्हारे पिक्चर पे कलर करूँ, तो बेरंग ने बोला कि हाँ तुम कर सकते हो। तो आरव जैसे ही वो पिक्चर में कलर फिल करने लगा वैसे ही जो रियल में बटरफ्लाई था बेरंग उसमें भी कलर चढ़ना स्टार्ट हो गया। तो बेरंग तो बहुत ही खुश हो गया। फिर उसने बोला कि जरा पाखनी किनारी, जैसे कि उसकी विंग्स होती है ना, उसमें बोला कि जहाँ पे वो किनारी है वहाँ पे थोड़ा तू जांबुड़ा मतलब पर्पल कलर तू कर दे, अने हाँ वच्चे ना खाना में पीड़ो रंग भरी दे। थोड़ी वार में तो बेरंग बनी गयो रंगीन। तो उसने तो जैसे पसंद था उस वो बेरंग बोलते गया कि यहाँ पे किनारी पे ये वाला कलर फिलअप कर दे, फिर अच्छे बीच में जो बॉक्स है उसमें तू येलो कलर फिलअप कर दे। वैसे वैसे जैसे वो बेरंग बोलता गया वैसे आरो कलर फिलअप करता गया, और वो कलर फिलअप होने के बाद वो जो बेरंग था, बेरंग कौन था, बटरफ्लाई, वो पूरा कैसे हो गया, रंगीन हो गया। फिर सामने वाले पेज पेज नंबर 65, तो यहाँ पे आपको एक बॉक्स दिया है और बॉक्स के नीचे क्या लिखा है, तमारा मन में एक साव नवी जातनू पतंगियों बनावो, तेनू चित्र दोरो तेमा मजा पड़े तेवा रंग पूरो। तो आपको आपके माइंड में एक सेट कर लो कि आपको कैसा बटरफ्लाई बनाना है, आप अलग ही बटरफ्लाई बना सकते हो। फिर यहाँ पे बटरफ्लाई बनाने के बाद आपको जो भी मन चाहे आप अपना कलर फिलअप कर सकते हो। फिर नीचे है, कहो ईवा सातमा धोरण में भणे तेनो वर्ग पहला माड़े, रिसेस में तेने मैदान में रमता द्विज ने सीताफळ पहुँचाड़ियों, पहले माड़े थी नीचे नाखता सीताफळ फसकाई गयू नहीं, ईवाए द्विज ने सीताफळ कई रीते पहुँचाड़ियों हसे, तो उसने वो सीताफळ उसको कैसे पास किया होगा। तो जैसे कि अगर हम होते तो हम क्या करते कि बीच में हम स्टूडेंट को इस तरह से लाइन में बिठा देते या फिर सबको बोल देते कि तू इसको पास कर दे, फिर पासिंग, जैसे कि पासिंग द बॉल होता है ना हम गेम खेलते, वैसे ही जो ईवा है उसने द्रिज को ये पासिंग सीताफळ भी पहुँचा दिया होगा। ओके, आपको क्या लगता है कि उसने किस हिसाब से उसको सीताफळ पहुँचाया होगा। फिर नीचे है वार्ता वाचो चांदो पकड़ियो, नीचे हमारी न्यू स्टोरी है, एक जंगल हतु एमा एक मोटू तड़ाव हतु, तड़ावना काठे ऊंचा ऊंचा झाड़ हता, आ झाड़ पर एक वांदरानो परिवार रहतो हतो, तेनु सरदारनु नाम महाबली, टोड़ाओना मोटा वांदराओ आखो दिवस हुपा हुप करे। तो यहाँ पे एक जंगल था तो उसमें कौन रहता था, तो एक जो मंकी है ना उसके पूरी फैमिली रहती थी, तेमनु सरदारनु नाम, उसका सरदार जैसे कि कहते हैं ना कि हमारे घर के जो मुखिया, वैसे ही इन लोगों का जो एक पूरा टोड़ी थी ना उसमें जिसका नाम था, उसका नाम था महाबली। टोड़ाओ ना मोटा मोटा वांदराओ आखो दिवस हुपा हुप करे, तो आपको तो पता है जैसे कि मंकी तो वो एक झाड़ से दूसरे झाड़, दूसरे झाड़ से तीसरे झाड़ भी, वो कहीं पे भी जाके जंप कर छलांग लगा सकता है, एक झाड़ पर थी बीजा झाड़ पर कूदा कूद करे, रमता रमता फरे मीठा फल खाता खाता आनंद थी पेट भरे, तरसिया थया त्यारे तड़ावनू पाणी पीवे अने जाए झाड़ने छाए बेसी वातो करे, रात्रे पाछा आराम करे बधा वांदरा झाड़ पर सुई रहे। तो मंकी का तो क्या होता है कि पूरा दिन यहाँ से वहाँ कुतल कुतल करते रहते हैं, और जहाँ भी उसे फ्रूट या फिर कुछ ऐसा खाने की चीज़ें दिखाई देती है तो वहाँ पे जाके छलांग लगा के वो झपट के आ जाते हैं। और जब भी हम लोग बाहर टूरिस्ट पे जाते हैं या फिर कहीं पे भी घूमने जाते तो वहाँ पे अभी आपने देखा होगा कि बहुत सारे मंकीज़ होते, तो मंकीज़ ने आपने देखा है कभी कि आप कुछ खाते हो और वो आपके हाथ से छीन के गया है। ओके, मेरे साथ ये एक बार हुआ था कि हम लोग गए थे हरिद्वार और वहाँ पे बहुत सारे मंकी थे, तो मैं उस टाइम पे कुछ खा रही थी फ्रूट वगैरह, तो उस टाइम से वो मेरे हाथ से छीन के चले गए और वो सारे के सारे वहीं पे थे, और एक पानी की बोतल भी लेके और अपने आप से वो पीने लगे।
तो मंकी का पूरा दिन का काम क्या होता है कि एक जार से दूसरे जार और उथल पुथल करते रहते हैं, दूसरे को हैरान परेशान करते रहते हैं, और फिर किसी के हाथ में से खाना पानी वगैरह कुछ भी छीन के खा लेते थे, और फिर शाम को वो अपने पेड़ पे जाके आराम से सोते हैं। फिर टर्न योर पेज, पेज नंबर 66। वांद्रा ना आ टोड़ा में नटखट बच्चाए हता, ए बच्चा तो भारे तोफाने, आखो दिवस तोफान मस्ती ज करिया करे, कोई झाड़नी डाड़िए थी ऊंधे माथे लटके तो कोई बीजानी पूछड़ी खेची पगड़ी भागी जाए, वड़ी एक बीजा सामने कच कच दात काढ़े, अंधारू थाय तो ये बच्चा जरा पण जपे नहीं, रात पड़े तो ये ऊंधे नहीं। तो यहाँ पे कहते हैं ना कि जैसे कि हम कहते हैं कि बाजू वाले का लड़का कितना नोटी है, बहुत परेशान करता है, शैतान करता है, वैसे ही मंकी का जो बच्चा है वो बहुत ही नटखट था, वो एक दूसरे को सब परेशान करते रहते थे, फिर झाड़ी पे उल्टे लटकते थे, दूसरे को परेशान करते थे, फिर जैसे कि आपने सुना होगा कि वो अपने दांत को इस तरह से करके वो एक आवाज़ निकालते थे, वो कर देते थे, फिर शाम को जब सोने का टाइम होता है तो फिर भी वो सोते नहीं थे और पूरा रात भी वो दूसरों को भी सोने नहीं देते थे और मस्ती करते रहते थे। एक वक्त की बात है, रात्रि नो समय हतो, आकाश में पूनम नो चंद्र प्रकाशतो हतो, मोटा वांदरा घसघटाट ऊँगता हता, परंतु पेला बच्चा नी वातो चालती हती, जाने माखियोनो गणगणाट, एवामा जुगनू नजर नीचे गई, अरे आसु पानी मा चांदो, जग्गू ने थयु नक्की चांदो पानी मा पड़ी गयो छे। तो छोटे बच्चे को तो कुछ भी पता नहीं चलता, वैसे ही मंकी का जो मंकीज के बेबी थे ना, उसको तो क्या, एक दिन पूनम की रात थी तो सब बड़े लोग सो रहे थे, जो छोटे छोटे मंकीज थे ना वो एक दूसरे बातें कर रहे थे, और जैसे गुनगुन गुनगुन होते ना, जैसे हम लगते थे कि हमारे कान में मधुमक्खी बोल रही है, वैसे ही उन लोगों की आवाज़ वैसी ही आती थी। तो उस दिन पे पूनम की रात थी तो उसमें जो पूरा चंद्र है वो कैसा चमक रहा था, बट उसने जग्गू, उनमें से एक जो जग्गू था उसने पानी में देखा, तो पानी में उसे क्या दिखा रहा था, जो चंद्र ऊपर था उसको पानी में वो दिखाई दे रहा था, तो उसके लगा कि चंद्र है वो पानी में गिर गया है। जग्गू ये हड़वे थी बीजा बच्चा ने कहू, फटाफट आवो अहीं जुओ चांदो तड़ामा पड़ी गयो छे, वानर सेनाना बधा बच्चाए चुपचाप नीचे जोयू, तड़ावना शांत जलमां चंद्रनु प्रतिबिंब देखातु हतु, बच्चा कहे अरे आ तो चांदो ज पड़ी गयो छे, चिंपू कहे ना ना आ चांदो नथी, आ तो सरस मजानो फल छे। तो जैसे कि छोटे बच्चे, हम आप भी छोटे बच्चे हो तो आपको कुछ भी कुछ बातें पता नहीं चलती, वैसे ही मंकीज है उसे कुछ बातें की पता नहीं चलती है, तो वैसे ही यहाँ पे एक जो मंकी था उसको उस बारे में पता नहीं था कि यहाँ पे जो उसका ऊपर जो चंद्र, पूनम की चांद जो चंद्र है वो उसका यहाँ पे प्रतिबिंब पानी में पड़ रहा है, ओके वो दिखाई दे रहा है, पर उसे तो लगा कि यहाँ पे चंद्र ही पूरा पानी में गिर गया है, बट एक है उसको जो जिसका नाम क्या है, चिंपू, चिंपू कह रहा था अरे नहीं नहीं ये चंद्र नहीं है, ये तो कोई एक अच्छा सा फ्रूट है। आडो चिंपू का है महाबली दादा ने जगाड़िए, तो सभी जो मंकीज के बेबी थे ना, तो सबको क्या लगा था कि यहाँ पे जो पानी में गिरा हुआ है वो कुछ ऐसा स्वादिष्ट फल है, बट सब लोग कहने लगे नहीं ये तो कुछ, कुछ बच्चे ऐसे कहने लगे कि ये आप कुछ फल है, या फिर कुछ ये कहने लगे कि ये तो मून है, मतलब चंद्र है, ओके। तो सब कहने लगे कि चलो जो भी हो, चंद्र हो या स्वादिष्ट फल हो, मतलब इसको हमें पानी से तो निकालना ही पड़ेगा, तो पानी में से निकालने के लिए हमें किसको बुलाना पड़ेगा, जैसे कि मंकीज के जो पूला एक टोलकी थी उसका जो मेन सरदार का नाम था हम महाबली, तो बच्चे ने बोला कि चलो हम महाबली दादा को उठा के लाते हैं, मतलब उसको हम जगाते हैं, पर तेने पानी माथी काढ़वू कई रीते, सौ घणी भर विचार में पड़ी गया, एटलामा मिक्की बोलियू मने एक सरस युक्ति सूझे छे, एमा आपणाथी ज काम थई जाय एवुं छे, मोटेराओने जगाड़वानी कोई जरूर नथी, मिक्की बोल्यू जग्गू झाड़नी डाढ़ी पकड़ीने लटकशे, चिंपू तेनी पूछड़ी पकड़ी लटकशे, मिंटू चिंपूनी पूछड़ी पकड़ीने लटकशे। तो यहाँ पे आप सामने वाले पिक्चर में देख सकते हो कि सभी मंकीज बेबी ने क्या किया कि पहले जो मेन एक जो था वो एक ट्री से लटक गया, फिर उसको एक पूछ की पकड़, एक दूसरे की पूछ के, पूछ को पकड़ के वो सब इस तरह से लटकने लगे, और फिर वो किसको पकड़ने गए, चंद्र को, उसे लगा था कि चंद्र पानी में गिर गया है या फिर कुछ स्वादिष्ट फल है, वो सब डाल, वो नदी में से उसको निकालने के लिए ये युक्ति सोची,
कि इसमें तो हमसे भी काम हो सकता है, इनमें से हमें बड़ों को जगाना नहीं चाहिए। पोतानी डोक चारे बाजू फेरवी, टट्टार थत्ता थत्ता मिक्कीए कह्यू, हूँ बहादुर मिक्की, आ मोंटीनी पूछड़ी पकड़ी छे पाणी सुधी पहुँची जाइस, जे फटाक कर दो चांदाने पकड़ीने बहार काढ़ी लईस। बधाने ए उपाय खूब ज गम्यो। जगू अने मोंटू बोलिया, वाह केवी मजा पड़से, काम पण थशे अने गम्मत पण थशे। तो यहाँ पे इन लोगों को मस्ती सूझ रही थी, जैसे कि उसके पेरेंट्स मतलब बोलते थे कि सारा दिन मस्ती करते रहते थे, दिन में तो उछल कूदते थे बट शाम को भी यही करते थे। तो शाम को तो बड़े सब उसके जो पापा मंकी मम्मा मंकी जो थे सब उसके, तो वो सब तो सो रहे थे, बट इन लोगों को मस्ती सूझ रही थी कि तालाब में कोई फल है या फिर कोई भी कुछ भी चीज़ हो, बट हमें उससे बाहर निकालना चाहिए। बट उसे ये लगा कि इनमें हमें कुछ बड़ों को उठाना नहीं चाहिए, हम खुद भी ये कर सकते। तो उन लोगों ने क्या प्लान किया कि हम एक दूसरे की पूछ पकड़ के तालाब में हम नीचे की साइड जाएंगे और फटाक से हम सब जो भी चीज़ होगी उसको हम बाहर निकाल लेंगे, और इससे हमें मज़ा भी आएगा और हमारी गम्मत भी हो जाएगी। फिर सामने वाले पेज पे योजना नक्की थी। आयोजन मुजब जग्गूए झाड़नी डाढ़ी, चिप्पूए जग्गूनी पूछड़ी, मोंटीए चिंपूनी पूछड़ी अने मिक्कीए मोंटूनी पूछड़ी पकड़ी लीधी। मिक्की पाणी सुधी पहुँच्यू, तेणे चांदाने पकड़वा एक हाथ पाणीमां नाख्यो, पण आ शू, पाणीमां देखातो हतो ते चांदो आम तेम डगुमगु डोलतो डोलतो पाणीमां विखराई गयो। ચાંદાનો તો બગડી જેવા ટુકડા થઈ ગયા, હવે શું કરવું? તો જૈસે કે પાણી જો પાણી હોતા ઉસમે કોઈ ભી હમ પ્રતિબિંબ દેખતે હૈ, જૈસે કે જ્યાદા ધૂપ હોતી હૈ તો ઉસ ટાઈમ પે કોઈ ભી ઉસમે પ્રતિબિંબ દિખાઈ દેતા હૈ, કે હમે દિખાઈ દેતા હૈ કે યહાં પે સૂરજ હૈ તો વહાં પે ભી સૂરજ હમે દિખાઈ દેતા હૈ, યા ભી કોઈ ભી ચીજ ઉસમે દિખાઈ દેતી હૈ, તો હમે લગતા હૈ કે યે, બટ ઉનમે હમ અગર પાણી કો હિલાએંગે તો વો સારી જો પ્રતિબિંબ હૈ વો પૂરી कैसे हो जाएगी, पानी के वेव्स होती है वैसे ही वो दिखाई देती है। तो जैसे ही उसने पानी में हाथ डाला तो उसे क्या लगा कि ये जो चंद्र है उसके तो बंगड़ी के जैसे टुकड़े हो गए। तेवा में जग्गू ने पकड़ छूटी गई, बधा ज वांदरा धबाक दई पड़िया पानी में, तड़ाव में थयेलो धबको सांभळी ने मोटा वांदरा जागी गया, ते झटपट तड़ावे पहुंचा, बच्चा ने पानी में बाहर करता करता तेमने नाके दम आवी गया। મહાબલીએ પૂછ્યું, આમ અડધી રાતે પાણીમાં કેવી રીતે પડ્યા? જગ્ગુએ માંડીને વાત કરી, તેને વાત પૂરી થઈ ત્યાં સુધીમાં તળાવનું પાણી સ્થિર થઈ ગયું હતું, હવે તેમાં ફરી ચાંદો દેખાવા માંડ્યો। જગ્ગુ મોટી ચિંપુને મિક્કી એકસાથે પાણીમાં જુઓ, ચાંદો બચાવો તેને બોલી ઉઠ્યા મહાબલીએ, સાથે બધા વડીલ વાંદરા ખડખડાટ હસી પડ્યા। તો यहाँ पे बच्चों को तो पता नहीं होता है कि यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है प्रतिबिंब, बट वो तो पानी में उसका प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। उन लोगों को क्या लग रहा था कि यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ है, खाने की चीज़ है या फिर रियल में चंद्र गिरा हुआ है, तो वो सब तो गिर गए पानी में। और वो आवाज़ सुन के बड़े जो थे वो उठ के फिर उन लोगों को डांटने लगे कि आप आधी रात को ये सब क्या मस्ती कर रहे हो। तो फिर जग्गू मोंटी चिंपू मिक्कू मिक्की ये सारे मिलके पूरी एक स्टोरी बना कहने लगे कि ये हुआ था वो हुआ था। तब तक जो तालाब का पानी था वो एकदम स्थिर हो गया, और स्थिर होने के बाद फिर से वो चंद्र उसमें दिखाई देने लगा। फिर चारों के चार वो एक साथ बोले कि देखो चंद्र फिर से डूब गया, उसको बचाना है। तो सब बड़े हंसने लगे कि ये कोई पानी में गिरा हुआ नहीं है, सिर्फ आपको वहाँ पर प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। फिर टर्न योर पेज, महाबली कहे ये तो चांदा नु प्रतिबिंब छे, आकाश में जुओ ए रियो तमारो चांदो। तो फिर बड़े ने जब उसका जो सरदार था महाबली उसने क्या बोला कि ये कोई आपका चंद्र गिरा नहीं है, आपका चंद्र जो है वो ऊपर ही है, ऊपर की तरफ देखो, और ये तो जो पानी में आप देख रहे हो वो तो उसका प्रतिबिंब है। पछी बद्धा मोटा वांदराओ तड़ाव में जग्गू मोंटी चिप्पू अने मिक्की ने तेमा प्रतिबिंब बताव्या। फिर उन लोगों ने क्या किया कि उन लोगों को बोला कि आप तालाब के किनारे बैठ जाओ और फिर आप उसमें देखोगे तो आपका भी उसमें प्रतिबिंब दिखाई देगा। ओके, तो यहाँ पे हमारी स्टोरी कंप्लीट होती है। तो आप में इस स्टोरी में क्या पसंद आया, चिंकू मिक्की पिंटू और इन लोगों ने क्या क्या मस्ती की, कैसी कैसी मस्ती की इन लोगों ने, और पूरा दिन कैसे उथल पुथल कर देते थे और रात को भी वो बहुत ही शैतानी करते थे। तो यहाँ पे हमारा पार्ट 5 कोरो काच बोने बिनो चांदो, तो यहाँ पे जो हमारी स्टोरी थी वो कंप्लीट हो गई है। तो
इस स्टोरी कंप्लीट होने के बाद पीछे पेज पे हमें 6868 पे एक पिक्चर के नीचे हमें दिया है बातचीत, आ वार्ता में सौथी वधारे मजा क्यारे आवी। तो यहाँ पे जो कुछ क्वेश्चन है आपको ओरली इसके बारे में बातें करनी है कि वांदरा पानी में पड़ी गया त्यारे तमने केवू लाग्यू, तमने क्यों वांदरो सौथी वधु गम्यू, तमे तोफान करता वांदराओं ने कूतराओं ने जोया छे ते शू करता होय छे, तमे घर में केवा केवा तोफान करो छो। तो आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन दिए हैं वो आपको अपने हिसाब से आंसर देना है। फिर लास्ट क्वेश्चन आपको पूछा कि आप घर में कितनी मस्ती करते हो, फिर आप जितनी मस्ती करते हो तो आपके मम्मी पापा आपको कितने डांटते हैं, इसके बारे में भी आपको बताना है आपके फ्रेंड्स के बारे, आपको फ्रेंड्स को कि मैं घर पे इतनी मस्ती करता हूँ, मेरी मम्मी या मेरे पापा मुझे इतना डांटते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारी स्टोरी कंप्लीट हो गई है। तो नेक्स्ट वीडियो में आप जो सामने वाले पेज 69 वाले पेज पर जो एक्सरसाइज हमारी स्टार्ट होती है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक ये सारी स्टोरी आपको लर्न करनी है, और हाँ, इनमें से जो जो आपको सेंटेंस पसंद आया, जो जो आपको बातें अच्छी लगी, वो आपको अपने फ्रेंड के साथ शेयर करनी है, या फिर ये पूरी स्टोरी आप फिर से रिपीट करके अपने फ्रेंड्स को भी सुना सकते हो।